हिंदू धर्म को मानने वाली महिलाओं को हरतालिका तीज का विशेष महत्व होता है। इस दिन गौरी शंकर की पूजा का विधान है। माना जाता है इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत को करने से कुंवारी कन्याओं को भी मनचाहा वर मिलता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज भाद्रपद यानी कि भादो माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत 12 सितंबर को है। चलिए आपको इसका शुभ मुहूर्त भी बताते हैं। तृतीय तिथि प्रारंभ 11 सितंबर 2018 को शाम 6:04 से, तृतीय तिथि समाप्त 12 सितंबर 2018 को शाम 4:07 पर, प्रातःकाल हरतालिका पूजा मुहूर्त 12 सितंबर 2018 की सुबह 6:15 से सुबह 8:42 तक रहेगा। इस व्रत को निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी कि व्रत के पारण से पहले पानी की एक बूंद भी ग्रहण करना वर्जित माना जाता है। व्रत के दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद उमाम हेश्वर साजुज सिद्धित हरितालिका व्रत में करिष्येह मंत्र का उच्चारण करते हुए मंत्र का संकल्प लिया जाता है। चलिए आपको बताते हैं इसकी पूजा में क्या सामग्री उपयोग की जाती है। इस दिन पूजा के लिए गीली मिट्टी, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल और फूल, अकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, मौसमी, नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, चीनी, दूध और शहद के साथ भगवान की पूजा करें, आपको जरूर लाभ होगा। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।